नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का मालपुआ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है बाउल, और बाउल में डालूँगी मैं एक कटोरी। मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया है, बस इसको इसमें डाल देंगे। मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी दूध। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें फ्रेंड। बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ ये बन के तैयार होने वाला है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, एक कटोरी यहाँ पे मैंने दूध लिया था, पूरा दूध ख़त्म हो गया है और हमारा जो है घोल बन करके तैयार है। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इसको फेंटना ज़रूरी है। इसको 10-15 मिनट हम अच्छे से फेंट लेंगे फ्रेंड। इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा इलायची, इस तरह से दरदरा मैंने कूट लिया है, और थोड़ा सा रखेंगे हम चाशनी के लिए। तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे घोल को। तो देखिए हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। इस तरह से लगातार एक साथ गिरना चाहिए, तो हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। देखिए तो घोल बिल्कुल तैयार है। तो इसको ढक करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी मैं एक कटोरी चीनी, और इसमें डालेंगे डेढ़ कटोरी पानी। डेढ़ कटोरी पानी डाल देंगे फ्रेंड इसमें। तो देखिए डेढ़ कटोरी मैंने पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो देखिए हमारी चाशनी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो मैं डाल रही हूँ इसमें बचा हुआ इलायची जो मैंने बचा के रखा था, और इसको एक तार की हम चाशनी बना लेंगे। तो हमारी चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार देते हैं और हल्का सा ठंडा हो जाता है फ्रेंड। अब मैं चढ़ा रही हूँ मालपुआ तलने के लिए। मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको गरम कर लेती हूँ। आप चाहें तो घी और रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करके भी पुआ बना सकते हैं। तो इसे हल्का सा गरम होने देते हैं। तो थोड़ा सा बैटर डाल करके मैं चेक कर ले रही हूँ कि गरम है कि नहीं घी। तो देखिए गरम हो गया है। तो हम एक एक करके अपना पुआ डाल देंगे इस फ्रिज में। तो मैं छोटा छोटा बनाऊँगी, इसे पकने देते हैं। आंच को हम धीमी रखेंगे, इस तरह से घी को ऊपर चढ़ाते रहेंगे इस तरह से। देखिए हमारा पुआ फूलने लगा है। तो अपने पुआ को दूसरी तरफ से पलट दे रही हूँ और इसको अच्छे से सीख जाने देंगे। तो पुआ देखिए हमारे अच्छे से पक गया है। तो इसको निकाल करके इस तरह से हम टेढ़ा कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें घी तेल है वो निकल जाएगा। और इसको हम चाशनी में डाल देंगे, क्योंकि चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। तो चाशनी में हम ये पुए को डाल देंगे फ्रेंड। इसी तरह से सारे पुए मैं बना ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा घोल उठाएंगे और पुआ अपना बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, ज़्यादा मैं एक साथ नहीं डालूंगी, मैं छोटा छोटा पुआ बना रही हूँ। मैंने जो चाशनी में पुआ डाला था उसको हम बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ इसको, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये भी सीख गया है, तो इसको भी निकाल ले रही हूँ। इस तरह एक्स्ट्रा घी हम निकाल देंगे। तो ये हमारे मालपुआ जो हैं बन करके बिल्कुल तैयार हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाशनी बचा हुआ है फ्रेंड, तो मैं इसके ऊपर से इस तरह डाल दे रही हूँ। इसके आगे सारी मिठाइयाँ फेल हैं फ्रेंड। बहुत ही स्वादिष्ट बना है और बहुत ही मुलायम है। मैं एक आप तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रही है, और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ आपको।
वाह क्या स्वादिष्ट बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड। तो आप घर पर ज़रूर इस तरह आटे का मालपुआ बनाएं, और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।